हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 2 वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। तो इस यूनिट के जो जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने 1 नंबर से 8 नंबर तक के जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं उसके आगे के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9, यानी 2.9। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये पिछले वाले से कनेक्टेड है, यानी अभ्यास 2.8 का मतलब है जो ये 8 नंबर्स क्वेश्चंस दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसी से हमको इस क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। तो दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट रख दी जाए जिसका परावैद्युतांक क्या है 6 है, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा। दो क्वेश्चंस के हमको आंसर निकालने हैं यहाँ पर, और हमको सहायता लेनी है पिछले वाले क्वेश्चन से। तो अगर क्या करें, विभव वोल्टेज या संभरण जो है वो जुड़ा रहे तो क्या कंडीशन होगी, और अगर संभरण को हटा दिया जाए, संभरण का मतलब होता है सप्लाई, तो सप्लाई को हटा दिया जाए तब क्या कंडीशन होगी, विभव या आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे। तो 8 नंबर तक के क्वेश्चन हमने कल ही सॉल्व कर लिए थे, लेकिन हमको 8 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसी से लिंक करके दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको भी, और एक साथ सभी चीज़ों को एक जगह लिखते हैं, फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने बुक में क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है तो इसमें 8 के भी कुछ टर्म्स, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के भी कुछ टर्म हमको लिखने होंगे, जैसे कि V बराबर 100 वोल्ट, ये दिया हुआ है हमको 8 नंबर क्वेश्चन में ही, और क्यू बराबर 1 यानी 18.10 to the power -10 कूलाम। याद करिए कल हमने जब क्वेश्चन नंबर 8 किया था, न्यूमेरिकल नंबर 8 किया था, तो उसमें हमने जो आंसर निकाला था यानी आवेश का मान निकाला था दोनों पट्टिकाओं पर, जो आवेश निकाला था वो हमारा निकला था 17.7 × 10⁻¹⁰ कूलाम। तो इसी को हमने कहा था हम इसको लगभग 18 × 10⁻¹⁰ कूलाम मान सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो आगे आसान हो जाएगा। इसलिए आप इससे ना कन्फ्यूज हो कि कल तो हमने आवेश निकाला था 17.7 और आज हमने ये 18 क्यों ले लिया। तो ये इसीलिए ले लिया क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारा सरल होगा और उसका मान भी लगभग 18 के बराबर ही होगा, क्योंकि 17.5 से ये एबव दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं, और आज के यानी 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है के का मान जो कि होगा 6, के का मान 6 दिया हुआ है, और एक टी नई जो पट्टिका की मोटाई है वो हमको दी हुई है 3 mm, जिसको हम बदलेंगे मीटर में, यानी 3 × 10⁻³ meter। तो याद करिए कल जो हमको दी गई थी बीच की दूरी डी, वो भी हमको 3 mm दी गई थी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी बराबर डी हो जाएगा। तो हम जो यानी संधारित्र की नई धारिता, इससे क्या हमको, जैसे दो प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी भी 3 mm है, और इसमें जो पट्टिका रखी गई है, जो परावैद्युत पट्टिका रखी गई है उसकी भी मोटाई कितनी है 3 mm, तो ये बराबर ही नहीं हो गई। और टी जब डी के बराबर होगी, यानी ये जो पूरा संधारित्र है, ये पूरा संधारित्र ही परावैद्युत से भरा हुआ होगा, एक भी जगह इसमें खाली नहीं होगी, क्योंकि टी की जो मोटाई है वो डी के बराबर है, उनके बीच की दूरी के बराबर दी हुई है। तो पूरा संधारित्र जब परावैद्युत द्वारा ही भरा होगा, तो नई धारिता का फॉर्मूला होगा यहाँ पर C बराबर KC0। तो इससे हम जो नई धारिता है वो प्राप्त करेंगे, फिर हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर ए और बी दिए हुए हैं। तो नई धारिता C बराबर क्या होगा, K दिया हुआ है 6 और C0 ये होगी 18 पिकोफेरड, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन में हमने धारिता भी तो निकाली थी 18 पिकोफेरड। तो ये हो जाएगी नई धारिता 108 पिकोफेरड, ये हो जाएगी हमारी नई धारिता। तो ये नई धारिता आई, नई धारिता सी बराबर 108 पिकोफेरड आ गई हमारी। अब क्या है, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर ए को, जब क्या है संभरण जुड़ा हुआ है, संभरण जब जुड़ा है तब क्या कंडीशन होगी। अगर विभव संभरण जुड़ा हुआ है तो जो संधारित्र का विभवांतर है वो क्या रहेगा, V रहेगा कांस्टेंट यानी नियत, और V नियत रहेगा यानी कि जो 100 वोल्ट दिया हुआ है वो V का मान हमेशा क्या रहेगा 100 वोल्ट ही रहेगा, ये नियत रहेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा।
तो जब इसमें चेंजमेंट नहीं होगा तो धारिता पता है हमको, विभव भी हमारा नियत है वो भी हमको पता है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे क्यू। तो वही कहा गया है ऊपर एग्जैक्ट, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि हमको किसका मान निकालना है, यहाँ पर केवल इतना दिया हुआ है कि स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा हो और जब संभरण को हटा लिया जाए। तो जुड़ा होने पर V नियत होगा, V 100 वोल्ट होगा, तो C हमको दी हुई है, तो हम यहाँ पर नया आवेश निकालेंगे Q बराबर CV से। तो Q बराबर C दी हुई है 108 इंटू वोल्टेज दिया हुआ है 100, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि इसको जो 108 दिया हुआ है ये तो हमारा पिको फैरेड में दिया हुआ है, लेकिन हमको जो यूनिट है वो एक ही मात्रक में रखनी होगी, यानी 10 to the power -12। अब ये बन गई फैरेड में, फैरेड वोल्ट, तब हमारा आवेश निकलेगा यहाँ पर फाइनल। फाइनल जो आंसर निकलेगा हमारा, वो नया आवेश निकलेगा Q बराबर 1.08 × 10 to the power -8 कूलाम। तो ये हमारा नया आवेश निकला ए नंबर क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम बी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, यहाँ पर क्या है, जब संभरण को हटा दिया जाए, यानी संभरण हटा दिया जाए, संभरण हटाने पर, तो हटाने पर क्या होता है, जोड़ने पर जब जुड़ा हुआ है तो वी नियत होता है, और जब विभव संभरण हटा लिया जाता है तो आवेश नियत होता है, यानी क्यू नियत। और क्यू कौन वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे जो हमने अभी निकाला है, ये यहाँ पर आवेश नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर क्यू वही लिया जाएगा जो पहले हमको दिया हुआ है, यानी हमने कल के जो क्वेश्चन नंबर 8 में निकाला था। तो क्यू बराबर क्या होगा, 18 × 10 to the power -10 कूलाम, ये रहेगा कांस्टेंट। तो और सी हमको पता है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर नया विभवांतर निकालेंगे, वी बराबर क्यू अपॉन सी। तो क्यू का मान है 18 × 10 to the power 10 और सी का मान है 108 × 10 to the power -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर V बराबर 15/3, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 100। तो 50/3, यहाँ 50/3 वोल्ट आंसर आया हमारा फाइनल करके, यानी इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V बराबर 16.6 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गए, दोनों आंसर आ गए 9 नंबर क्वेश्चन से। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 पिकोफेरेट का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी स्थिर वैद्युत संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, यू का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे जो कुछ हमको दिया हुआ है। तो सी बराबर 12 पिको फैरड, या इसे ही लिख सकते हैं 12 × 10 to the power -12 फैरड, और वी दिया हुआ है 50 वोल्ट, और हमको निकालना क्या है, यू का मान। तो यू के लिए फार्मूला होता है यू बराबर 1/2 CV² तो 1/2 × C × V² यानी 50 × 50। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे 6, और ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा हमारा U बराबर, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1.50 × 10 to the power -8 जूल, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो छोटा सा क्वेश्चन था, हमको डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, 200 वोल्ट संभरण से यानी सप्लाई से एक 600 पिकोफेरेट के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको क्या कर देते हैं, संभरण से वियोजित कर देते हैं, हटा देते हैं, तथा एक अन्य 600 पिकोफेरेट वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी ऊर्जा ह्रास को डेल्टा यू से व्यक्त करते हैं, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे क्या हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको C1 दिया हुआ है 600 × 10 to the power -12 फैरड, और C2 भी सेम टू सेम दिया हुआ है 600 × 10 to the power -12 फैरड, और विभवांतर दिया हुआ है यानी V1 200 वोल्ट और V2 क्या होगा, V2 होगा 0 वोल्ट, क्योंकि संभरण से पहले हम संधारित्र को आवेशित करते हैं, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं।
हमको निकालना क्या है, ऊर्जा ह्रास यानी डेल्टा यू का मान निकालना है। आवेश के बाद संभारण को हटा दिया जाता है, अतः निकाय पर कुल आवेश क्या होगा, नियत रहेगा। तो हमने अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आप याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो वहां पर हमने क्या किया, जब संभारण हटा लिया जाता है, संभारण हटाने पर, जोड़ने पर तो विभव नियत रहता है, संभारण हटाने पर क्यू का मान क्या रहता है, नियत रहता है, यानी आवेश यहाँ पर नियत रहेगा, और संधारित्रों को जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव है जो वो होगा वी। तो यहाँ पर एक आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है इसके लिए, आपको वैसे लगाने कि इसके दो तरीके हैं, लेकिन एक तरीका है वो काफ़ी लॉन्ग होगा मेथड, तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए आप इसका एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, जो कि ऊर्जा ह्रास का फार्मूला होता है, ऊर्जा ह्रास का फार्मूला होता है डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2, और ब्रैकेट में V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है डायरेक्ट, और जब कभी भी ऊर्जा ह्रास पूछा जाए तो इसी फार्मूले में डायरेक्ट आपको मान रख देने हैं सभी। तो सभी मान हमको यहाँ पर पता है, तो डेल्टा यू बराबर 1/2 इंटू 6 × 10⁻¹⁰ और फिर हो जाएगा, इंटू में 6 × 10⁻¹⁰, क्योंकि दोनों धारिताएं बराबर थी ना C1 C2, और नीचे क्या हम कर देंगे, नीचे कर देंगे 600 + 600 × 10⁻¹⁰, दोनों से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऊपर वी वन है 200 और V2 है 0। डिफरेंस का मतलब होता है कि हमको हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना होगा, और इसका हम कर देंगे क्या, होल स्क्वायर। अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी, 36 × 10⁻¹⁰ अपान 1200 × 10⁻¹⁰, और इधर ये हो जाएगा 4 और 4 0। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कैलकुलेशन फिर अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फिर उनका आंसर नहीं आता मैच करने में, तो फिर उनको लगता है कि कहीं पर क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको खुद ही कैलकुलेशन करना होगा, ना वहाँ पर कैलकुलेटर होगा और ना ही कोई बताने वाला, तो इसलिए आप इसको स्वयं प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन की। इसीलिए हम क्वेश्चंस को जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, ताकि कैलकुलेशन करके आप आंसर स्वयं निकालें, और आंसर आपकी बुक में दिए भी हुए हैं पीछे, तो वहाँ से आप मैच भी कर सकते हैं, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर सही तरीके से दिया हुआ है और अच्छे तरीके से समझा दिया गया है आपको न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार से हमारे जो 11 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एक अभ्यास से दिए हुए थे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी अतिरिक्त अभ्यास में कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये जो अतिरिक्त अभ्यास वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा समझने में इनको प्रॉब्लम होती है, तो आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, और थोड़े से ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि अतिरिक्त क्वेश्चन में इसीलिए दिए गए हैं। तो इनको भी देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे थ्योरेटिकल और डेरिवेटिव टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल बिंदु पर एक 8 μC का आवेश अस्थित है, 2 × 10⁻¹⁹ कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P से बिंदु R से होकर बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए, यानी W का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, और ये तीन बिंदु दिए गए हैं P, Q, R, और जो मूल बिंदु पर आवेश का मान दिया हुआ है 8 μC, और एक और आवेश दिया हुआ है 2 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है ये 8 mC है, ना कि माइक्रो कूलाम, क्योंकि माइक्रो का जो साइन होता है वो इस प्रकार से दिया हुआ होता है माइक्रो कूलाम, और जो एम है ये मिली को डिनोट कर रहा है, यानी 8 mC है, इसीलिए आप 10⁻³ रखेंगे, ना कि 10⁻⁶। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इसमें इस प्रकार से हमको एक फिगर बनाना होगा, क्योंकि इसमें हमको डिनोट करना है जो हमारे बिंदु दिए हुए हैं पी क्यू आर,
तो सबसे पहले मूल बिंदु पर आवेश यानी कैपिटल क्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, 8 × 10⁻³ कूलाम। और एक दूसरा आवेश दिया हुआ है 2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो ये दो आवेश दिए हुए हैं एक मूल बिंदु पर, और इसका जो मूल बिंदु है ये है O, और फिर दिए हुए हैं बिंदु P, बिंदु R और बिंदु Q। तो इनमें इनके निर्देशांक लिखेंगे, जो निर्देशांक इसमें दिए हुए यानी P के निर्देशांक हैं 0, 0, 3 और R के निर्देशांक हैं 0, 6, 9 और Q के निर्देशांक हैं 0, 4, 0। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसके जो बिंदु दिए हुए होते हैं उन पर निर्भर करता है। क्योंकि आपको यहाँ पर आप याद कीजिए कि विभवांतर की जो परिभाषा है वो क्या होती है, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो कार्य के लिए यानी W बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, Q × V। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको विभवांतर चाहिए इन दोनों यानी विभवों में अंतर चाहिए। तो जब हम विभवों में अंतर निकाल लेंगे तो फिर जो आवेश दिया हुआ है उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कार्य। तो सबसे पहले हमको विभव निकालना है, और विभव निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, दूरी की यानी उनके बीच की दूरी हमको यहाँ पर चाहिए। जब तक हमको दूरी नहीं मिलेगी तब तक हम जो विभव है वो भी नहीं निकाल सकते, इसलिए इनके बीच की जो दूरी है ये हमको निर्देशांकों से निकालनी होगी। ये निर्देशांक दिए गए हैं, इन्हीं से हम इनकी दूरी निकाल लेंगे। अब ये जो सभी दिए हुए हैं ये सभी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको जो यूनिट्स हैं उनका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर बनाना पड़ेगा, फिर बाद में वही डिफरेंस आता है जो उसकी पावर दी हुई होती है उसमें। तो क्योंकि मूल बिंदु ओ से दूरी हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो क्योंकि क्योंकि मूल बिंदु से दूरी, तो ये क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी आर क्यू बराबर ये होगी 0.04 मीटर। तो ये देखिए ओ है मूल बिंदु और ओ से क्यू तक की दूरी यानी इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो ये देखिए 0, 0 है और 4 निर्देशांक दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर। इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया 0.04 मीटर। अब बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी आर पी यानी कि ओ पी क्या होगी, 0.03 मीटर, ये वाली ये होगी 3 सेंटीमीटर ओ से पी तक की दूरी। तो ये हमको मिल गई दो दूरियाँ। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्यू व पी के बीच विभवांतर का मान निकालेंगे। तो मूल बिंदु पर स्थित आवेश क्यू के कारण हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्यू व पी के बीच विभवांतर। तो विभवांतर का फार्मूला वही लगेगा, किसी एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव, तो वी बराबर यानी विभव में अंतर हमको निकालना है ना, तो VQ - VP बराबर 1/4πε₀। और यहाँ पर हम ले लेंगे जो Q/R होता था ना, तो यहाँ पर Q/RQ - Q/RP, इस प्रकार से हमको मान यहाँ पर निकालना होगा। तो 1/4πε₀ का मान रख देंगे 9 × 10⁻⁹, उसके बाद Q का मान वो भी बाहर ले लेंगे क्योंकि Q कॉमन हो जाएगा दोनों में, सेम है 8 × 10⁻³, और फिर अंदर हो जाएगा 1/0.04 - 1/0.03। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो दशमलव है वो हटा देंगे हम, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, और 100 को हम निकाल लेंगे कामन, 100 को बाहर कामन ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 72 × 10⁸, और यहाँ पर बचेगा 3 − 4/12, यानी कि निगेटिव आएगा जो हमारा विभवांतर आएगा यहाँ पर। तो यानी VQ - VP ये आएगा हमारा −6 × 10⁸ वोल्ट। तो ये हमको मिला विभवांतर, Q हमको पता है यानी स्मॉल Q हमको पता है। अब हम निकालेंगे W, तो W बराबर होता है Q × V, और V क्या रखा जाएगा, VQ - VP यानी विभवों में अंतर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये जो क्यू दिया हुआ है ये भी निगेटिव दिया हुआ है, 10⁻⁹ − 9 × −6 × 10⁸ वोल्ट, और इसका सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो हमारा फाइनल जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा W बराबर 1.2 जूल, जो वर्क निकलेगा हमारा वो निकलेगा जूल में, और यही होगा हमारा
आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र, यानी वी और ई का मान हमको निकालना है एक घन के केंद्र पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक डेरिवेटिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दी नहीं गई है। यहाँ पर बी भुजा वाला एक घन दिया हुआ है और उनके प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश दिए हुए हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत विभव और फिर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक फिगर के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमने फिगर बना लिया। एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? प्रत्येक भुजा बी दी हुई है और प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्यू है, जिसको हमने डिनोट नहीं किया। और डी यहाँ पर जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण दिया हुआ है इस घन का, यानी घन में 6 सतहें होती हैं, तो ये विकर्ण दिया हुआ है, वो भी एक सतह का ये दिया हुआ है विकर्ण। तो सबसे पहले हम इस डी यानी डी का मान निकालेंगे, जो ये विकर्ण दिया हुआ है इसका मान निकालेंगे, और फिर आगे हम आर निकालेंगे, यानी जब हमको त्रिज्या मिल जाएगी तो फिर हमको विभव भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालने के लिए हमको इसका विकर्ण निकालना होगा, फिर उसके बाद हमको त्रिज्या यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर ये जो विकर्ण दिया हुआ है ये इस घन का विकर्ण है, इसको हम मान लेते हैं एल, इसको एल मान लेते हैं। और ये जो डी है ये विकर्ण है केवल और केवल एक सतह का, और ये जो एल विकर्ण है ये पूरे घन का विकर्ण है, तो ये बाद में निकलेगा। सबसे पहले एक सतह के लिए निकालेंगे, तो फिर हम सभी सतह के लिए वहाँ पर जो टोटल विकर्ण का मान है वो भी हम वहाँ पर निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं इस एक सतह के लिए डी का मान, यानी कि विकर्ण का मान। तो डी स्क्वायर बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया? तो ये आया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमने इधर जो वर्गमूल वाला साइन है वो लगा दिया। तो डी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे ये जब होगा तो डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट टू बी स्क्वायर, तो एक बी आ जाएगा बाहर, यानी डी बराबर बी रूट टू। तो ये केवल और केवल एक सतह के विकर्ण का मान हमको यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो घन का टोटल विकर्ण है यानी ये जो एल दिया हुआ है ये घन का टोटल विकर्ण है, ये तो केवल एक सतह का, डी एक सतह का विकर्ण है। अब टोटल विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? तो टोटल विकर्ण निकालने के लिए ये वाला, ये जो त्रिभुज टाइप हमको दिख रहा है यही वाला त्रिभुज लेंगे, यानी एल बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो डी स्क्वायर है, डी का मान हमने ऊपर निकाला, यानी बी रूट टू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर 14 है, 1.5 माइक्रो कूलाम और 2.5 माइक्रो कूलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। तो इसमें क्या करना है? नंबर ए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर दो पार्ट हैं और फिर उन दो पार्ट्स के अंदर भी दो दो पार्ट्स हैं, यानी एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसीलिए एनसीईआरटी पैटर्न थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, फिर इसीलिए इसमें टाइम लगता है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम हो पाते हैं। तो आप इसको समझिएगा कि कुछ आप अपनी तरफ से भी करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम केवल और केवल हम आपको एक पार्ट बताएंगे, यानी उसमें हम वैद्युत विभव का मान निकालेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र भी निकालेंगे। और सेम टू सेम उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट भी पार्ट निकालना है, उसका फिगर भी हम आपको बना के बता देंगे, फार्मूला भी बता देंगे कौन सा लगाना है। बस आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकालना है। बाद में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वहाँ पर डालकर, तो फिर डाउट सेशन में उन जो आपके क्वेश्चंस होंगे डाउट होंगे उनके क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, तो दो आवेश दिए हुए हैं जो 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। सबसे पहले हम ये पहले पार्ट के लिए, यानी 14 का ए नंबर है जिसके लिए हम ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ए नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे ए और बी। तो पहले वाले यानी ए नंबर में हमको निकालना है उसके दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान और वैद्युत क्षेत्र का मान।
तो ये ए बी है, ये मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु ओ दिया हुआ है। तो पहले में आवेश है, यानी जो पहला आवेश है 1.5 × 10⁻⁶ कूलाम, और दूसरा आवेश 2.5 × 10⁻⁶ कूलाम, ये दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको बांट देंगे, यानी मध्य बिंदु से आधा आधा। ये इधर हो गई 0.15 और 0.15 इधर हो गई। तो इस प्रकार से फिगर बनेगा हमारा पहले क्वेश्चन के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो, ये पॉजिटिव आवेश है, इधर भी पॉजिटिव आवेश है, तो E1 इस तरफ होगी, यानी ईए ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस तरफ होगी, और EB इस तरफ होगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने डिनोट कर दी, और ये है मध्य बिंदु हमारा O। तो पहले के लिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दूरियाँ। तो RA बराबर RB कितनी है? दोनों दूरियाँ 0.15 मीटर। अब मध्य बिंदु पर सबसे पहले विभव निकालेंगे। तो विभव निकालने के लिए हमको दिशा से कोई भी लेना देना नहीं होता, हमको डायरेक्ट वहाँ पर क्या करना है, ऐड कर देना है VA प्लस VB, यानी कि 1/4π ε0, ये हो जाएगा कॉमन, और अंदर हो जाएगा QA अपान RA प्लस QB अपान RB। ये हो गया। अब डायरेक्ट हमको यहाँ पर क्या रखना है, मान रखना है, तो 9 × 10⁻⁹, और अंदर मान रख देंगे 1.5 × 10⁻⁶ अपान 0.15 प्लस 2.5 × 10⁻⁶ सेम, और 0.15 तो नीचे सेम है, तो ऊपर वाले भी डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ही ऐड हो जाएंगे। तो ये जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे ऊपर 4, और 4 का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी V बराबर 9 × 4 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा, यानी ऐड करने पर 10⁻⁶ रहेगा, और इधर हो जाएगा 10³ अपान 0.15। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल वैद्युत विभव का मान आएगा वो आएगा V बराबर 2.4 × 10⁵ वोल्ट। तो ये हमारा वैद्युत विभव निकल आया, कहाँ पर? मध्य बिंदु O पर। तो हम ए नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसका हमने केवल और केवल एक पार्ट अभी सॉल्व किया है, मध्य बिंदु पर। अब यहाँ पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसी कंडीशंस के लिए मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो वैद्युत विभव में तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर हमको दिशा का ध्यान रखना होगा, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना होगा, और हमको घटाना होगा बड़े में से छोटे वाले को, यानी ये और ई बी में कौन बड़ा है, तो हम किस प्रकार से चेक करेंगे। तो ई प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, या ई प्रोपोर्शनल 1/r² के। तो आर तो यहाँ पर सेम है, तो इससे हम जो तुलना है कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पर हम क्यू से तुलना करेंगे। तो ई बी है, यानी जो बी आवेश है उसका क्यू मैक्सिमम है, इसीलिए जो वैद्युत क्षेत्र बी के लिए वैद्युत क्षेत्र ग्रेटर होगा ए के लिए वैद्युत क्षेत्र से, यानी जो हमारी परिणामी तीव्रता आएगी ई बराबर वो आएगी ई बी माइनस ई ए, क्योंकि ई बी यहाँ पर बड़ा है, ग्रेटर है, और ई ए छोटा है, तो इसलिए हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो तीव्रता का सूत्र ऊपर तो हमने जो विभव का फॉर्मूला लगाया, उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी होता है। तो 1/4π ε0 ये कॉमन ले लेंगे, और अंदर होगा क्यू बी अपान RB² यहाँ पर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक आर का ही फर्क होता है V और E में किसी एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में। तो QB अपान RB² ही आ गया, माइनस QA अपान RA²। तो इसमें केवल हमको इनके जो मान हैं वो रखने हैं। तो E बराबर 9 × 10⁹ और 2.5 × 10⁻⁶ अपान 0.15 × 0.15 माइनस 1.5 × 10⁻⁶ अपान 0.15 × 0.15, ये यहाँ पर हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, नीचे फिर से हमें ऊपर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा ऊपर 1 और नीचे 0.225,
तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन केवल आपको करना है, यहाँ पर सभी कुछ दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन आप स्वयं करके आंसर निकालें, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको ये सॉल्व करना है, केवल कैलकुलेशन करना है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट की, जो कि आपको स्वयं करना है, लेकिन थोड़ी सी हम यहाँ पर हिंट आपको देना चाहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर भी वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उससे 10 सेंटीमीटर दूर, यानी वो जो इस प्रकार से दिए हुए हैं, जो हमारे ए बी ये दिए हुए हैं और मध्य बिंदु है ये यहाँ पर ओ, तो मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है पी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है पी, जहाँ पर हमको वैद्युत विभव निकालना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देंगे। अरे निरक्षीय स्थिति वाला आपने पढ़ा होगा, जो हमने डेरिवेशन किया था, उसी प्रकार से यानी मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमको निकालना है बिंदु पी पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर फिगर बनेगा, और फिर यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये 15, ये दूरी ऊपर वाले के हिसाब से ही हम ले लेंगे। तो इनका मान निकालना है, तो ये वर्क करेगा एज अ कर्ण, कर्ण के रूप में यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर से हम यहाँ पर किसका मान निकाल लेंगे, ए पी का मान निकाल लेंगे, फिर हम किसका मान निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पर बी पी का मान निकाल लेंगे। दोनों सेम ही आएंगे, क्योंकि ये भी 15, ये 10, ये 15, ये 10, तो ए पी बराबर बी पी बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा मान। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वैद्युत विभव के लिए वी बराबर वी ए प्लस वी बी, जिस प्रकार से हमने ऊपर अभी किया उसी प्रकार से फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा वी का मान आ जाएगा वोल्ट में। तो इतना केवल आपको यहाँ पर करना है। दूरियाँ ही अगर आप निकाल लेते हैं तो विवो का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये वाली दूरियाँ लेनी होंगी, यानी ए पी और बी पी, ए पी बी पी दूरियाँ लेनी होंगी। तो इन दूरियों को कैसे निकालना है, तो हमने आपको बता दिया, ये है 10, ये है 15। तो यहाँ इससे पाइथागोरस प्रमेय से इस ए पी का मान निकाल लेंगे, और सेम मान होगा इस बी पी का, यानी जब हम ए पी निकाल लेंगे वही होगा बी पी का, और इनको आपस में जोड़ देंगे विवो का फॉर्मूला रखते हुए, तो ये आ जाएगा वैद्युत विवो का मान। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे, तो तीव्रता के लिए हमको यहाँ पर कोण के माध्यम से निकालना होगा, यानी साइन कोण और कॉस कोण के माध्यम से यहाँ पर ई का मान भी हम निकाल लेंगे। तो आपको इसको ट्राई करना है, अगर आपको नहीं आता, आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते, तो फिर आप बताइएगा, यानी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया। तो फिर हम जब डाउट सेशन अपना करेंगे तो इसमें हम इस सवाल को वहाँ पर इस न्यूमेरिकल को इंक्लूड कर लेंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक रखते हैं, यानी हमने जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको पूरे कर लिए हैं, यानी 14 नंबर तक हमारे क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और जो कुछ भी हमने छोड़ा है, थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी है, यानी एक बार इन क्वेश्चंस को, इन न्यूमेरिकल्स को आपको दोबारा लगाना है, रफली आपको लगाना है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आप फार्मूले म्यू सभी वैल्यू जो हैं वो रखना सीख जाएँ और कैलकुलेशन करना सीख जाएँ। तो चलिए इसके आगे वाली क्लास में हम इसके आगे के जो हमारे बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं, कुल 36 न्यूमेरिकल हैं हमारी इस यूनिट में, तो इसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।